हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सिमी मेक ओवर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आगे भी फॉरवर्ड करना। जो आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने बोला है कि मैं मेकअप सीरीज स्टार्ट करूँ इन दी बेसिस ऑफ रोजेज। रोजेज़ के बेसिस पे, मतलब होता है ना, रोजेज़ का कलर बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो मैं वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट सीरीज़ है, ऑरेंजिश, जिसमें आपको दिख रहा होगा ऑरेंजेस। मैं पिक भी मेंशन कर दूँ कि मैंने कौन से रोज़ को, मतलब किस रोज़ की पिक को देख के ये लुक क्रिएट करा है। सो बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है ये। मैंने इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करे हैं, मैंने एक ही स्विस ब्यूटी का, मतलब ये आई शेडो पैलेट यूज़ करा है, इसी से क्रिएट करा है। और एक हाईलाइटर यूज़ करा है, स्विस ब्यूटी का काम है, ये वाला हाईलाइटर यूज़ करा है। ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, आप यूज़ कर सकते हो इन्हें। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बहुत ज़्यादा प्यारा लुक है, मैं क्लोज आके दिखा देती हूँ आपको। आप देख ही रहोगे कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आगे भी फॉरवर्ड करना, जो औरों को भी हेल्पफुल। सो गाइज, मैंने फेस वॉश कर लिया है और मैं अपनी स्किन को अब प्रेप कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे लैक्मे का ही पीच एंड मिल्क वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, जिसमें SPF 24 PA प्लस प्लस है, साथ में UVA एंड UVB प्रोटेक्शन। ये ऑल स्किन टाइप के लिए, सारी स्किन को सूट करेगा। तो मैं सबसे पहले अपनी स्किन को कर लेती हूँ, प्रेप कर लेती हूँ अपनी, आया मतलब सारी जगह जहाँ पे होता है, थोड़ा सा ही लेना है नॉर्मल, जैसे आपको प्रेप करना है। मैं साथ साथ मेकअप भी कर लूँगी इस स्किन केयर के साथ, तो जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये फ्यू सेकंड लेता है अब्जॉर्ब होने में, और ये बहुत ही प्यारा, मतलब आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसा नहीं कि वाइट टिंट देगा, ऐसा नहीं, नॉर्मल, बिल्कुल आपकी स्किन को नॉर्मल करता है ये। ऐसे करने के बाद आपको अपनी आईलेट पे, मतलब कोई भी आपके पास कंसीलर है या फिर कोई भी बेबी क्रीम है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। सो इसको मैं अपने पूरे फेस पे अभी कर लेती। ये बहुत ही सुंदर आपकी स्किन को वो करता है, मतलब अच्छे से आपकी स्किन को, आपकी स्पॉट्स वगैरह हाइड कर देगा। इसका रिव्यू मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब पे। आप नए हो तो प्लीज़ चेकआउट कर लो, पुराने व्यूअर्स ने तो देख ही लिया है। वो बहुत ही प्यारा रिजल्ट देता है, आप इसे डेली वेयर में यूज़ कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है डेली वेयर में। इसे अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हो, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। और आपने देख ही लिया होगा मैंने इसको थोड़ा सा ही अप्लाई करा है। और आपको अपनी नेक को अवॉइड नहीं करना है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, वरना फिर नेक और फेस बहुत अजीब अजीब लगता है। सो हमने अपने फेस पे पूरे अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है, कहीं भी नहीं रहे, अच्छे से हो गया। उसके बाद आपको कोई भी, आपको लूज पाउडर लेना है या फिर कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है, तो मैं यहाँ पे ओरिफ्लेम का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसका लिंक भी मैं दे दूँगी, नेचुरल लाइट शेड है बहुत ज़्यादा। इससे आप अपना पूरी, मतलब बेबी क्रीम जो भी आपकी लैक्मे की है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसको आपको कॉम्पैक्ट पाउडर को सेट कर लेना है अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर से। और समर्स में तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्किन के लिए समर्स में तो, क्योंकि मैं स्वेट भी बहुत आता है। और अपने आप अभी आई मेकअप करोगे तो अपनी आईज़ को अच्छे से पूरे से, मतलब सेट कर लेना, जिससे मतलब आपका आई शेडो क्रीज ना हो, इससे सेट हो जाएगा। आप देख रहे हो मेरे डार्क सर्कल भी हाइड हो गया, मुझे कोई भी फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ा, तो मैं इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ। इसे करने के बाद आपको क्या करना है, इसे करने के बाद आपको आई शेडो पैलेट लेना है। इसमें मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं आज ऑरेंजिश, जैसे आपने देखा होगा मेरे वीडियो का टाइटल है रोज़ वाली, मैं उस पर वो कर रही हूँ कि आई शेडोज, मतलब मेरी मेकअप सीरीज़ है, तो मैं ऑरेंजिस शेड का कर रही हूँ। तो पहले मैं अपनी ऊपर वाली क्रीज कर पे लाइट शेड है जो ऑरेंज का, इसे मैं पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं अपने आई के इनर कॉर्नर पर भी इसे वो करूँगी। सो ऊपर मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, मैं थोड़ा क्लोज आ जाती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मैं क्या कर रही हूँ।
आपको इसे अच्छे से इजीली ब्लेंड करना है। आप छोटा ब्रश भी ले सकते हैं, आपसे बड़े से नहीं हो रहा है तो। ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है तो आप अपने से पूरी आई लाइट पे कर लो अच्छे से लाइट शेड को। आप देखोगे एक ही स्ट्रोक में अच्छे से हो गया है। इसे करने के बाद ऐसे ही आपको अपनी दूसरी दूसरी आई एरिया पे भी कर लेना है। थोड़े से ऊपर की साइड ज़्यादा वो करना, बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि हम इसमें क्रीज कर देंगे एक, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मेरा दोनों साइड हो गया अच्छे से ब्लेंड। ये करने के बाद आपको नॉर्मल जैसे आपने अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपको इसमें से दूसरा ब्रश की हेल्प से आपको जो डार्क शेड है ऑरेंज का, इसमें जो डार्क शेड है आपको ये लेना है, और इसको आपको अपने यहाँ अप्लाई कर लेना है। ये डार्क ऑरेंज है, आपको इसको ज़्यादा नहीं करना है। आइए, इजीली ब्लेंड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको लेने के बाद आप देखोगे इजीली ब्लेंड हो गया दोनों साइड ऑरेंज ऑरेंज। और यही लेने के बाद दूसरे ब्रश की हेल्प से आपको अपने जो ऑरेंज शेड है नीचे आईलैश मतलब वाटर लाइन में भी अप्लाई कर लेना है। और जैसे आपने यहाँ पे ऐसे नहीं बनाया तो बना लेना, कि जब आप पूरा वो दोगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। जो भी एक्सेस गिरा है उसे आप साफ़ कर लेना अपने मतलब जिससे आपने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया था, कोई भी ब्रश है आप पे या कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर, उससे साफ़ कर लेना। सो मेरा ये हो गया है, जितना भी एक्सेस था वो निकल गया है। तो ये सिंपल है, आपको कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसे क्रिएट करने के लिए। ये नॉर्मल लुक है, इसको आपको सिर्फ ऐसे करना है। आपके यहाँ पे विंग लाइनर अभी ड्रॉ करना है जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसको आप क्रीज कट दे सकते हो, जैसे गोल्डन कोई भी मतलब इसी में एक गोल्डन शेड है उससे मैं कोशिश कर रही हूँ मतलब क्रीज कट बनाने की, बन जाएगा ईजिली वैसे। सो देखते हैं। मैंने क्रीज कट बनाया है, बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा है। आपके पास कोई लिक्विड लाइनर है मतलब जो ग्लिटर वाला है, आप उससे बना सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। सो अब मैं लाइनर लगाती हूँ और इसको थोड़ा फाइनल टच देने के लिए मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। बस इतना ही इजी आई मेकअप लुक था, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसे कोई भी बना सकता है। सो मैं आपको वो लगा के मिलती हूँ। सो मैंने लिपस्टिक और लाइनर अप्लाई करा है, मैंने प्यारे प्यारे से इयररिंग पहने हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर है, ये शेड नंबर है आपका 01, सॉरी 02, 02 शेड नंबर है, 02 शेड नंबर है। तो इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे शेड्स हैं, मैं इसमें से थर्ड नंबर का जो है ये वाला लगाऊंगी ऑरेंज शेड में, जो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसको लेना है और जिसका एक्सेस पाउडर उसे ड्रॉप कर देना। फिर इसके बाद आपको जहाँ जहाँ करना है आप वहाँ वाला अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही प्यारा ऑरेंजेस देखोगे आप, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा ये ग्लो प्रोवाइड करता है, नेचुरल लगेगा, ऐसा नहीं बिल्कुल चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसमें। सो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको हाईलाइट की ज़रूरत है आप वहाँ वहाँ कर सकते हो। नेचुरल ग्लो स्किन पे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, आपको पता ही है।
सो मैंने हाईलाइटिंग कर ली है। सो आप देखो कितना प्यारा ग्लो आ रहा है, बहुत ज़्यादा नेचुरल हाईलाइटर है, आपको बहुत ही प्यारा नेचुरल ग्लो देता है ये, बहुत ही ज़्यादा इजी आई मेकअप है। और आप चाहो तो नीचे अपनी वाटर लाइन पे भी आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो, या आपको काजल फिल करना है तो काजल फिल कर सकते हो। दिस इज़ द फाइनल लुक। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. सो गाइज, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा आई होप। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना, उससे आपको मेरी अपडेट मिलती रहेगी। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो बाय, टेक केयर।